मैं जुबैर मिर्जा हूँ। मैं जनूबी पंजाब के एक गांव का रहने वाला हूँ। आज मेरा बेटा मुझे मार रहा था और खुद को तकलीफ से बचाने के लिए मैं आगे हाथ कर रहा था ताकि मेरे जिस्म की बजाय चोट मेरे हाथ पर लगे और तकलीफ की शिद्दत कम हो। मगर मेरे बेटे ने जोरदार डंडा मेरे बाजू पर मारा और मेरा बाजू तोड़ दिया ताकि मेरा हाथ मुझे तकलीफ पहुंचाते वक्त उसकी राह में रुकावट ना बने। जब मार खाते खाते मैं बेहोश हो गया तो मेरा बेटा मुझे छोड़कर कहीं बाहर चला गया। कहीं आधी रात को मेरे हवास बहाल हुए तो बेटे के हाथों पिटने की वजह से लगने वाली चोटें और बाजू में उठने वाले दर्द की वजह से सारी रात बैठकर कराहते हुए गुजारी और सुबह होते ही मिन्नत साजद करके पड़ोसी के जरिए सरकारी अस्पताल पहुंचा। सरकारी अस्पताल भी बस नाम का अस्पताल था, वरना उसमें काम करने वाले अमले के सब लोग मानिंद फिरौन थे। हर किसी को पहले बात सुनने पर आमादा करना पड़ता है और बात संवाने के लिए उस मुतअल्लिका की पूजा करने के मुतरादिफ जैसा गुड़गुड़ाना पड़ता था, वास्ता और मिन्नतें करनी पड़ती हैं। फिर कोई अगर किसी में भी रत्ती बराबर इंसानियत हो तो बात सुन लेता है, वरना वो अपनी बेनियाजी दिखाता रहता है। बहुत ज्यादा मिन्नत समाजत करने के बाद एक कंपाउंडर ने मेरी बात मानी और मुझे एक सुकून आवर इंजेक्शन देकर सुला दिया, क्योंकि डॉक्टर साहब के आने में टाइम बाकी था। खैर, डॉक्टर साहब आए, मुझे चेक किया और पट्टी करके कुछ मेडिसिन दी और फारिग कर दिया। बाद अजां मैंने घर जाने की बजाय मुल्तान में एक फलाही अदारे में जाना बेहतर समझा। उस फलाही अदारे में आज मेरी पहली रात है और मेरे सामने मेरा माजी घूम रहा है। मैं इस वक्त 17 साल का था जब मेरे वालिद साहिब ने अपने सगे भाई यानी मेरे चचा की जमीन धोखे से हथिया ली थी। चूंकि मेरे वालिद साहिब पढ़े लिखे थे और पंजाब पुलिस में कांस्टेबल भी थे, जबकि मेरे चचा अनपढ़ और इंतहाई सादा थे, ऊपर से उनको अपने भाई यानी मेरे वालिद साहिब पर बेहद भरोसा था। मेरे वालिद साहिब ने इस भरोसे का फायदा उठाते हुए मेरे ताया के नाम पर मौजूद सारी जमीन अपने नाम मुंतकिल करवा ली। यहाँ तक कि जिस घर में वो मुकीम था वो घर भी अपने नाम करवा लिया और फिर पुलिस से मिली भुगत करके उसे घर से उठा बाहर किया और घर का सामान भी बाहर फेंक दिया। मेरी बच्ची ने लाख हाथ जोड़े अपनी मासूम बच्चियों को सामने करके कहा, उन पर तरस करो, मगर मेरे वालिद साहिब के दिल में जरा बराबर भी रहम ना आया। चचा चौंके पैसे, ताल्लुक, तालीम और वसाइल वगैरह हर लिहाज मेरे वालिद से कमजोर थे, इसलिए कुछ दिन तक लड़ने और बददुआएं देने के बाद गांव छोड़कर दूसरे गांव शिफ्ट हो गए। घर का कुछ सामान वगैरह बेचकर एक गधा गाड़ी खरीद ली और उसी पर मेहनत मजदूरी करके अपनी और बच्चों की रोटी कमाने लगे। कुछ वक्त गुजरने के बाद मैंने चचा से ताल्लुकात बेहतर करना शुरू किए, यहाँ तक कि उनके घर आने जाने लगा। उसी दौरान मेरी बड़ी चचा जाद कजन गलीजा में मुझे दिलचस्पी पैदा हुई और मैंने उसे मोहब्बत के नाम पर वर्गलाना शुरू कर दिया। अपने बाप की तरह मैंने भी चचा को धोखा देना शुरू कर दिया।
यहाँ तक एक रात अपनी बड़ी कजन को लेकर फरार हो गया। मैंने अपनी महबूबा कजन से शादी कर ली। चचा जो पहले ही हमारी ताकत से वाकिफ था, इस बार बिना जोर आजमाई किए हार मान गया। मगर मेरे बाप को मेरी महबूबा और अपनी भतीजी का अपनी बहू जाना एक आंख ना बाया। उन्होंने मुझे गलीजा को तलाक देने का कहा। मैं ना माना और अपने फैसले पर डट गया। तो मेरे वालिद साहिब ने हालात की नजाकत को समझते हुए वक्ती तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली। खैर, 3-4 माह बाद मोहब्बत का बूत मेरे सर से भी उतर गया और उसके बाद अलीजा की अहमियत घटती गई। यहाँ तक कि शादी के 2 साल बाद जब मैंने दिल भरकर अपनी नफसी ख्वाहिश पूरी कर ली, तो मेरे वालिद ने मौका मुनासिब देखकर मुझे एक बार फिर आलिया से जान छुड़ाने का कहा और इस बात जान छुड़ाने के लिए उसे तलाक देने का नहीं बल्कि इस जहां फानी से रुखसत करने का फैसला किया। यूं वालिद साहिब की मर्जी और तरीके के मुताबिक अलीजा को एक कमरे में बंद करके हीटर की गैस खोल दी गई, यहां तक कि अलीजा तड़प तड़प कर मर गई और उसकी मौत को कुदरती मौत करार दिया गया। यूं अलीजा भी जिंदगी से निकल गई और मैंने अपना मतलब भी पूरा कर लिया। खैर, वक्त गुजरता है, उसके बाद मेरा बाप अपनी मर्जी से मेरी शादी करता है। मेरी शादी के कुछ साल बाद वालदैन चल बसते हैं। अलबत्ता मेरा और मेरी बीवी का वक्त अच्छा गुजरता है। हमारा एक ही बेटा होता है। जब मेरा बेटा 16 साल का था तो अपनी माँ के साथ लाहौर से वापस आ रहा था। दौरान सफर गाड़ी को हादसा पेश आया। मेरी बीवी भी मर गई, बेटा बच गया और अब मैं कहता हूँ काश तब बेटा मर जाता, बीवी बच जाती, मेरा बेटा बुरी सोहबत में पड़ा, फिर नशा और चोरी चकारी करने लगा। जब चोरी चकारी से भी नशे हासिल करने के लिए मतलूबा रकम पूरी ना हुई तो बालिग होते ही अपने नाम पर मौजूद जमीन बेचकर नशा खरीदने लगा। यहाँ तक वो सारी जमीन बेचकर मंशियात खरीदने पर लगा दी जो मेरे बाप ने मेरी खातर अपने सगे भाई जो धोखा देकर हथियाली थी और मैंने वो जमीन अपने लाडले बेटे के नाम कर दी थी। अब जब बेचने को कुछ नहीं बाकी रहा तो मुझे तशद्दुद का निशाना बनाता है और कहता है जिस घर में रहते हो ये घर मेरे नाम करो और खुद कहीं और चले जाओ, मैंने ये घर बेचकर दवा खरीदनी होती है। मेरे इनकार पर मुझे पीटता है तो मेरे सामने मेरा माजी चलता है, कैसे मैंने और मेरे बाप ने जुल्म किए और आज किस मुंह से मैं अल्लाह ताला के सामने शिकवा का ना होता हूँ। आज मेरे बेटे ने मार मार कर मेरा बाजू तोड़ दिया और मुझे लगने लगा वो किसी दिन मुझे जान से मार देगा। उसी डर की वजह से मैं अस्पताल से सीधा यहाँ आ गया हूँ। मैं अब जब तक जिंदा रहूंगा यहाँ रहूंगा और मौत के बाद लावारिस करार देकर दफनाया जाऊंगा। वो जमीन मेरे जवाल की वजह बनी जो मेरे बाप ने मेरे चचा से हथियाली थी और मैंने उस जुल्म में अपने बाप को सपोर्ट किया था। ना सिर्फ यहाँ इक्तफा किया बल्कि बाद अजां पीछा की इज्जत पर हाथ डाला और दज्जियां उधेड़ दी। बेचा की बेटी को लेकर फरार हुआ तो चचा पर दोबारा जुल्म किया और फिर
उसी चचा जात को जिनसे मैं मोहब्बत का दम बढ़ता था कत्ल कर दिया, तो अब एक बार फिर जुल्म की हद को क्रॉस कर लिया। लेकिन उसके बावजूद मुझे मोहलत मिली, मगर मैं राह रास्त की तरफ ना पलटा। यहां तक हर जालिम की तरह मेरी पकड़ का भी वक्त आन पहुंचा। आज मैं किए गए हर जुल्म का नतीजा भुगत रहा हूं, और इस बात की तस्दीक करता हूं कि जर जर और जमीन वाकई ही फसाद की जड़ है।